नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा के कोट रूपी में बीते 6 दिनों से बंद पड़े हुए मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए शुरू करने के लिए NHIA द्वारा पोकलेन और एक JCB को कार्य पर लगाया गया है। वहीं अगर क्षेत्र में मौसम साफ रहा तो आगामी 3-4 दिनों में इस सड़क मार्ग पर यातायात शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही अस्थायी रूप से यातायात शुरू करने के बाद NHIA की यहां पर अस्थायी रूप से मार्ग को तैयार करने की योजना बना रही है। वहीं SDM पदर संजीत सिंह का कहना है कि वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और कार्य की प्रगति का जायजा उन्होंने लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में व्यापार मंडल सुंदरनगर पर व्यापारियों से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाला व्यापार मंडल सुंदरनगर बीते 30 वर्षों से सैकड़ों व्यापारियों की नुमाइंदगी कर रहा है। वहीं प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन के सचिव सुरेश कौशल ने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि करीब 3 दशकों से व्यापार मंडल को धर्मपुर के महिला ग्राम उद्योग के नाम पर चलाकर व्यापारियों से रसीद के नाम पर धन की उगाही की जा रही है। सुंदरनगर व्यापार मंडल फर्जी चलाया हुआ था, जिससे कि कल खुलासा हुआ है कि इन्होंने 2022 में कल की तारीख में फिर से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। 1992 से लेकर 2002 तक इनके पास 315 बंदों की सदस्यता थी, जिससे ये प्रति माह हमारे से प्रति सालाना हमारे से 150 रुपये दे के हमारे को रसीद देते थे। ये रसीद है। उसके बाद इनके पास 2002 से लेकर 2019 तक इन्होंने यहाँ से 300 रुपए की रसीदें जो है वो बाज़ार में काटी हैं। व्यापारियों ने खून पसीने की कमाई करके व्यापारियों के हित के लिए कार्य करने के लिए व्यापार मंडल के पास जाते थे। हम खुद 1992 से इस व्यापार मंडल के साथ जुड़े थे, जो इन्होंने ये हमें 1992 में ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे के जो है वो हमारी दुकान पे चिपकाया हुआ था। और आज हमें पता लगा है कि ये पूरा फर्जी बाड़ा जो है वो सभी व्यापारियों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी। इन्होंने व्यापार मंडल सुंदरनगर ने जो आवेदन किया था उस विषय पे इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कर दी गई है, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट थी तो रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। परंतु गत वर्षों में कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब क्योंकि ये कोई हमारे पास इस तरह की कोई भी ना ही कोई शिकायत मिली है, ना ही कोई इस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन जो हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 है, इस बारे में भी इस तरह की कोई भी शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई इसमें रहेगी कि अगर कोई शिकायत होती है तो कौन से एक्ट में किस तरह से कोई वायलेशंस हुई हैं, उन वायलेशंस पे जो भी हमारा अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में हम डेफिनेटली इंक्वायर करेंगे और जो भी उसके तथ्य रहेंगे उन तथ्यों पे कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत शासन में कांग्रेस पार्टी के संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता जगजीत ठाकुर के नेतृत्व में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम पंचायत के 7 महिला मंडलों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित करीब 400 ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया है। सासन ग्राम पंचायत के माता जनहरी देवी के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ है, हॉल में कार्यक्रम हुआ है। पर आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करके गई हैं और इस इलाके के बहुत सारे मौजूद लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस पंचायत के 7 महिला मंडलों को सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं कि सुजानपुर में भी सर्व कल्याणकारी संस्था के माध्यम से 7 दफ़ा महिला मंडलों को सम्मानित किया गया है और जगजीत ठाकुर जी हमारे हमीरपुर चुनाव क्षेत्र के हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी आज एक कार्यक्रम किया है, भव्य कार्यक्रम किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और महिला मंडलों को सम्मानित किया गया है। आप देख रहे हैं कि जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे कांग्रेस के लीडर जहां भी जा रहे हैं
बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं निकल के आ रही हैं, लोग निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, लोगों में गुस्सा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, नौकरियों को लेकर जो नौजवानों के साथ धोखा इस सरकार ने किया है उससे लोग परेशान हैं, अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों के फौज में जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पुलिस भर्ती हुई, पेपर लीक हुआ और सरेआम मार्केट में बेचा गया। इस तरीके से कई नौजवान जो है जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई। एक के बाद एक मुद्दा है, प्रदेश का कर्मचारी सरकार से तंग है। कर्मचारियों को पेंशन 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी उसमें बंद हुए थे। हमने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिला हमीरपुर के स्थानीय डिग्री कॉलेज में वीरवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि रोजगार मेले में 22 कंपनियों ने अलग अलग श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए लगभग 1500 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया है, तो वहीं कंपनियों द्वारा 834 उम्मीदवारों को मौके पर ही जॉब ऑफर करके लेटर प्रदान किया गया है। इस अवसर पर कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा ने कहा है कि हुनर है तो अवसर है, इसका उन्होंने नारा दिया है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि समय के साथ अपने स्किल को लगातार अपग्रेड और अपडेट करते रहें ताकि वे सफल बनकर अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से ये प्रदेश का चौथा रोजगार पर्व जो है वो यहाँ पर हमीरपुर में लगाया गया। इससे पहले सोलन के अंदर, कांगड़ा के अंदर और लाहौल स्पीति के अंदर ये पर्व हुए हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की एक प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौशल विकास निगम के माध्यम से किया गया है। आज हमने यहाँ हमीरपुर में जो है ये रोजगार पर्व जो लगाया है, इसमें 25 से अधिक कंपनीज जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं और जिसमें 2000 से अधिक युवाओं को रोज़गार देने की व्यवस्था है। और मेरे को ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है कि आज पूरे हमीरपुर से, हमारे चाहे नदौन से, चाहे किसी भी क्षेत्र से, बडसर से, हर जगह से, भोरन से, सुजानपुर से, हर जगह से युवा यहाँ पर आया है और हमीरपुर से भी बहुत संख्या में युवा आज यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि लगभग जो है वो 2000 तक युवा यहाँ पर पहुँचे हैं जो इंटरव्यूज़ देने के लिए आए हैं। और ऐसे ही हमारे पास जो कंपनीज़ आई हैं उनके पास भी 2000 से अधिक युवाओं को जो है वो ले जाने की, रोज़गार देने की व्यवस्था है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी कंपनीज़ आई हैं जिसमें हमने ITI किए हुए स्टूडेंट्स को भी रोज़गार देने की व्यवस्था है, जिसने 10 क्लास जिसकी पढ़ाई हुई है या 12 ट्वेल्थ तक जिसकी पढ़ाई हुई है उसको भी रोज़गार देने की व्यवस्था है, जिसने MBA किया है, जिसने BTEC किया है उसको भी रोज़गार देने की व्यवस्था है, या जिसने फार्मेसी किया है। तो इस तरह से हर क्षेत्र की, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज की बात हो, चाहे हमारे हेल्थ सेक्टर की बात हो, इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो, या हमारे जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर की बात हो, हमने हर तरह की कंपनी यहाँ पर बुलाई है। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने कहा कि जिला शिमला में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के दूसरे चरण में 400 से ज्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। और वहीं उन्होंने कहा है कि खुले में शौच मुक्त गाँव योजना के अंतर्गत अब 60% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जिससे जल्द से जल्द 100% किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन योजना के अंतर्गत बेलर मशीन तथा श्रेडिंग मशीनों का भी स्थापन किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये मीटिंग हुई थी और इसमें जैसे आपका प्लांट लगने हैं, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, इसके टारगेट अचीव करने को हमारे हर ब्लॉक्स में दिए गए। तो कई जगह पे अभी सैंक्शन की तो कई जगह पे थोड़े कम अचीव हुए हैं, पर मैक्सिमम हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। और कुछ आउटसोर्सेस और वो जो हमारे कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी उसके बारे में भी हमारे यहाँ पे चर्चा हुई, हमने इसके बारे में विचार रखा है, हम बड़ी जल्दी इस विषय में भी कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे। किस तरीके से मैम जो स्वच्छ भारत मिशन है, क्या कहाँ कमी रह रही है, जो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, अभी सैंक्शंस लेट आई कुछ, तो हमारे ज़िले के अंदर पिछली बार कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, एक महीना हमारे उसमें बीत गए, इस वजह से थोड़े से टारगेट
हमारे रह गए थे, मैक्सिमम टारगेट हमारे अचीव्ड है। प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्र महाविद्यालय हमीरपुर में एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मांगा कि उन्होंने कहा है कि मांगे न मानने पर अपना विरोध जो है उनका वो और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर कॉलेज में व्यवस्था काफी खराब है लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि रोजगार मेले में जबरदस्ती छात्रों को शामिल होने के लिए नोटिस दिए गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के प्रसिद्ध हल्के पीले रंग के त्रिलोकी राजमार्ग की अब जीआई टैगिंग होने जा रही है। इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बात कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हीरेंद्र कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। बता दें कि प्रदेश के लाहौल घाटी में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1989 से त्रिलोकी राजवास का संवर्धन किया जा रहा है और प्रोफेसर हीरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा सराज क्षेत्र में उगाने वाले पारंपरिक किस्म की विभिन्न प्रजातियों के राजमार्ग इकट्ठा किए गए। इस दौरान हीरेंद्र चौधरी ने जंजेली क्षेत्र के हल्के पीले रंग का राजमार्ग मिला और जिसका शोध किया गया। इसके उपरांत इसके संवर्धन कर इसे त्रिलोकी राजमार्ग से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। राजमार्ग की इस प्रजाति पर 9 वर्ष तक शोध करने के बाद 1989 में इसे त्रिलोकी राजमार्ग के तौर पर पहचान मिली है। ये सराज क्षेत्र जो है हमारा, इसमें जैसे आपके जंजैली वाला जो एरिया है, इसमें काफ़ी राजमार्ग जो है वो लगता है और यहाँ भांत भांत के कलर के राजमार्ग लगते हैं। हमारे यहाँ इसी क्षेत्र से एक कृषि दूत भी हैं जो कुंदन लाल, जिनका नाम है, उनको अभी राष्ट्रीय स्तर पर ICR द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस क्षेत्र में मैंने बहुत पहले जब मैंने असिस्टेंट साइंटिस्ट ज्वाइन किया था लाहौल स्पीति में 1989 की बात है, तब मैंने यहाँ की राजमार्ग की कलेक्शन की थी और यहाँ मुझे एक पीले किस्म का, हल्के पीले रंग का एक राजमार्ग मिला जिसका शोध मैंने किया और त्रिलोकी राजमार्ग के नाम से वो वैरायटी जो है उसको ईजाद किया। 1998 में वो वैरायटी रिलीज हुई थी, आज तक वो वैरायटी जो है किसानों के खेतों में चल रही है और उसकी 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है पैदावार है। जितने हल्के रंग के ये राजमार्ग होते हैं वो पकने में उतनी उनको सुविधा होती है और उनका जो एक ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट जो है वो अद्भुत है। ये इन पहाड़ों में सराज जैसी घाटियों में होता है, मैं सराज से ही उसकी कलेक्शन की थी और लाहौल में क्योंकि हमने इसको शोध किया तो वहाँ त्रिलोकी नाथ भगवान के नाम से हमने इसका नाम त्रिलोकी राजमार्ग रखा और ये बहुत मशहूर है और आने वाले समय में हमारा ये राजमार्ग जो है इसके लिए हम GI लेने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद। शिमला, किन्नौर और कुल्लू जिले में सेब विक्रय के लिए शिमला जिला के बिथल पहुंच रहे बागवानों को होटल और ढाबा संचालकों के मनमाने दामों का शिकार होना पड़ रहा है। इन दिनों विभिन्न हिस्सों से सेब लेकर आ रहे दिनों में सैकड़ों वाहन वहां पहुंच रहे हैं और लेकिन बिथल नामक स्थान में वाहन चालकों को उनके खाने का और ठहरने का कोई खास प्रबंध नहीं किया गया। इसको लेकर लोगों ने संबंधित सरकारी संस्थाओं की उदासीनता के खिलाफ जाँच की मांग उठाई है।
फोर लेन संघर्ष समिति ने अब प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर से वार्ता विफल होने के बाद गुरुवार को फोर लेन संघर्ष समिति ने कुल्लू में आक्रोश रैली निकाली है। रैली में सैकड़ों प्रभावितों और विस्थापितों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि इस रैली में आम आदमी पार्टी ने भी प्रभावितों का समर्थन किया है। फोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि अब प्रभावितों को मन बना लिया है कि भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि फोर लेन प्रभावितों ने पहले भी सरकारें गिराई थी और अब भी क्षमता रखती है। उधर फोर लेन संघर्ष समिति के नेता एडवोकेट महेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार और प्रशासन के अधिकारी बताएं कि कितने प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया गया है, कितने का पुनर्व्यास और पुनर्स्थापना उनकी की गई है। और उन्होंने कहा है कि सरकार देश हित की बात करती है, वहीं सरकार देश के लोगों के हितों का हनन कर रही है। तक हमने जितने दर्जनों ज्ञापन दिए किसी का जवाब तक नहीं आया, और ये मेरे ऊपर मुकदमा कर दो। ये जो गवर्नर है रबर स्टैंप है, गवर्नर को हमने ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी है देश का सर्वोच्च जो है संवैधानिक पद वो है राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति जी को जिला देश के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और हमें आशा है कि हिमाचल की सोई सरकार और प्रदेश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि आपने 2015 उसके बाद बार बार मन की बात बाद में लोगों से वायदा किया था कि इस कानून को जनहित में अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी संदीप पाठक जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इनका समर्थन किया है और वर्तमान सरकार को आगाह किया है, अगर आपसे यह जो ये 7 साल से इनका संघर्ष चल रहा है, सेक्टर 2 लागू इनसे नहीं हो रहा है, कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इसे लागू नहीं करते हैं, तो सरकार से इस्तीफा दे दे। और आम आदमी पार्टी अगर 2022 में पूर्ण रूप से हम सरकार बनाते हैं, निश्चित तौर से हम फैक्टर 2 लागू करेंगे और उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। प्रदेश में इस वर्ष हुई भारी बारिश के कारण सब्जी उत्पादों की फसल खराब होने के कारण मंडी में सब्जियां कम आ रही हैं और सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। सब्जियों के दामों में अचानक आए इस उछाल में आम जनता की कमर तोड़ दी है। वहीं शिमला सब्जी और फल विक्रेता संघ के प्रधान विशेश्वर नाथ ने कहा है कि बरसात में सड़कों के खराब होने से सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही, बहुत सी सब्जियां खेत में ही खराब हो रही हैं, जिस कारण कीमतों में उछाल आया है। बता दें कि अभी कुछ समय तक सब्जियों के दामों में कमी आने की भी संभावना जताई गई है। देखिए, ऐसा है कि जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है तब से खेतों में जल भराव भी ज़्यादा है और सब्जियां सड़ ज़्यादा रही हैं और खेतों से बाहर कम आ रही हैं। जैसे फूलगोभी है, मटर है, मटर तो आजकल होता ही सिर्फ किनारों में, बाकी कहीं होता नहीं, इसलिए मटर तो हर साल महंगा ही रहता है। तो मटर आज की डेट में 120 रुपये किलो तक बिक रहा है, जो अच्छा मटर है। गोभी भी 60 और 80 रुपये किलो के करीब करीब बिक रही है, क्योंकि ये सब्जियाँ जो हैं ये बरसात में ज़्यादा सड़ती हैं। बाकी घिया, बैंगन, ये जो नहीं सड़ने वाली सब्जियाँ हैं, इनके दाम जो है वो नॉर्मल हैं, बारिश का इनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं है। बैंगन 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिक रहा, घिया 30 रुपये किलो बिक रहा, भिंडी 20 रुपये किलो बिक रही है, करेला 40 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन तीन सब्जियाँ जो, एक पालक है, एक गोभी है और एक मटर है, इनके दाम जो है, पालक भी 100 रुपये किलो तक पहुँच गया है और आने वाले दिनों में जब तक ये मौसम साफ नहीं हो जाता इन तीन सब्जियों के दाम सुधरने में अभी टाइम लगेगा। बाकी सब्जियां नॉर्मल चल रही हैं, जैसा कि आप बाजार में देख ही रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।